शुक्रवार की सुबह वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में दो महिलाओं का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वृंदावन पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि दोनों महिलाओं की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार वृंदावन परिक्रमा के संत कॉलोनी स्थित एक कथा प्रवक्ता के आश्रम से 100 मीटर की दूरी पर दो महिलाओं का शव मिला है। दोनों महिलाओं की पहचान 61 वर्षीय चंपा गुप्ता निवासी लखनऊ और 68 वर्षीय सुशीला देवी निवासी बिहार के रूप में हुई है। हालांकि अभी तक महिलाओं की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की जानकारी हो सकेगी। क्या नाम है आपका? बाबा मनमोहन दास है हम। सामने हमारा आश्रम है गोपी कृष्ण आश्रम संत निवास। जी, आपके आश्रम में सामने दो माताओं का शव मिला है, क्या कहेंगे इस बारे में? प्रभु जी, ये पहली बात नहीं है, यहाँ पर हत्या होती रहती है और ये सब गौरी गोपाल की वजह से हो रही है। ये द्राचल महाराज जो है ये हत्या करवा रहा है। इस पर 302 का केस भी और लगना चाहिए, क्योंकि गरीबों का कोई नहीं है धरती पे। ये गरीबों के लिए प्रचार करता है, टीवी पे दिखाता है, ये गरीब आते। मैंने कम से कम पूरे साल, पिछले साल जाड़ों में मेरे पास एक कम्बल नहीं रहा। आके सुकड़ते या फुटपाथों पर सोते लोग, आके क्यों सोते? ये काम अच्छे कर रहा, प्रसाद बांटता, टीवी पे प्रचार करता, ये करता, मोबाइलों पे दिखा पे माता बहनों के पैर दाबता है, दाबता है। अरे हकीकत पता है, कितनी माता बहनें हमारे पास आती है, कहती है महाराज ये आश्रम से निकाल दिया, लूट डकैती डाल लेगा, इसलिए खाली और छोड़ लगा दुकान बना रखी है। उधर चल महाराज, कारण ये है कि लूटता है, पैसे ठगता है, किसके लिए कर रहा है? वैसे अपने को ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मणों के कर्म है। अरे गरीबों के लिए होते हैं, सब दुनिया गरीबों के लिए जीती है। गरीबों पहले कितनी हत्या हो चुकी है यहाँ पे, कितने बढ़ चुके हैं ये सब जानते हैं प्रशासन। कोई कार्रवाई नहीं करी गई इस पर अभी तक। ये उल्टे सीधे सब बोलता देवी देवताओं के बारे में, उल्टे सीधे प्रचार करता। क्या नाम है आपका? प्रयाग जी। ये आज जो दो महिलाओं की यहाँ पे लाश मिली है, क्या मामला है? ये मामला है कि से वहाँ पर कथा सुनने ये लोग बाहर से आते हैं। कहाँ पर कथा सुनने आते हैं? गौरी गोपाल जी के अंदर जो, और कथा सुनने के बाद ये लोग चाहते हैं कि आराम कर लें वहीं, लेकिन वहाँ आराम करने के लिए सुविधा नहीं दिया जाता है, इसलिए ये लोग बाहर आ जाती हैं। और बाहर आ जाती हैं एक दो तीन चार दिन में एक आध गो मर जाते हैं, वहाँ से भगा दिया जाता है। हाँ, धक्का मार के, धक्का मार के। कितने बजे करीब भगा दिया जाता होगा? कपड़े भी फेंकते जब 8 दिन हो गए। ए, 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 कथा उथा कथा खाना पीना हो जाने के बाद तो कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि आश्रम में रहने के लिए जगह जगह क्यों नहीं दी जाती है? जब आप महाराज जी कथा सुनने आ रहे हैं तो महाराज जी कभी आपने कहा नहीं है? ये व्यवस्था उन्हीं से पूछना पड़ेगा। ठीक है, लगातार ऐसे आज लगातार मरते जाएंगे, आगे और मरेंगे। तो महिलाओं की डेड बॉडी मिली है? नहीं, हमें नहीं मालूम। देखो ये सब आश्रम में रहती थी, ये रात को बाहर सुला देते हैं, आश्रम से निकाल के बाहर सुला, हम भी बाहर सोते हैं, तो ये भी तो ये दोनों खत्म हो गई। नहीं, ये आश्रम से बाहर क्यों बुलाते हैं? रात को बाहर बुला देते हैं। कौन से आश्रम में आती है? यही गोरी गोरी गोपाल में। तो रात्रि को आश्रम में आप लोगों ने महाराज जी से कभी कहा नहीं कि हम लोग ये बाहर बुला देते हैं? महाराज कहाँ सुनेंगे, वो उनको जो गार्ड से भगाते हैं, हम कहते हैं बाहर क्यों भगा रहे हो, ठंड का टाइम है, हमें कुछ हो गया तो भाई रात को सुला दो, इतना होल बड़ा खाली पड़ा है। उन्होंने नहीं, बाहर जाओ, कोई नहीं सोएगा, कोई नहीं शायद सोएगा, सबको बाहर निकालना। आश्रम में रहती थी, ये कथा सुनने आती थी, क्या करती थी? अब ये कोई इनके नाम को तो सुनती नहीं थी, अब बेटों ने निकाला तो आश्रम में रह रही थी। रात को यहाँ बाहर सोई तो उनकी तबीयत खराब हुई तो दोनों खराब हो गई। कितने दिन से सो रही थी बाहर ये? 8 दिन हो गए इनको। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।